नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जितेंद्र आज आपके सामने फिर पेश हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपनी गाड़ी को लगातार कंटिन्यू कितने किलोमीटर तक या कितने देर तक टाइम कितने टाइम तक लगातार हम अपनी गाड़ी को मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आओ वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे और जो मेरे दोस्त नए आए हैं इस चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अभी मेरे दिमाग में जो ये चीज़ आई थी कि हम इस अपनी गाड़ी को कितनी देर तक चला सकते हैं, कि वो मैं एक हाईवे पर था सर, मैं हाईवे पर था तो मैंने दो तीन चीज़ें देखी, तो उससे रिलेटेड मेरे फिर आइडिया आया कि चलो एक वीडियो बना के डाली जाए। तो हम अपनी गाड़ी को कितने किलोमीटर या कितने टाइम लिमिट कितनी देर तक हम चला सकते हैं, इसमें हम एक मोटा मोटा एक आइडिया लेके चलते हैं। या तो हम अपनी गाड़ी को 250 से 300 किलोमीटर की रेंज किलोमीटर, या फिर हम अपनी एक टाइम लिमिट लेके चलते हैं 3 घंटे। 3 घंटे दोस्तों जो कि हम अपनी गाड़ी को कंटिन्यू चला सकते हैं। इसमें हमें क्या फायदा होगा, हमारी गाड़ी को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो बताने की कोशिश करूंगा। 3 घंटे तक अगर हम अपनी गाड़ी को कंटिन्यू चला रहे हैं, उसको मूव रखा हुआ है हम लोगों ने, तो उससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी का इंजन भी गर्म हो जाता है। लेकिन हम लोग ये भी सोचते हैं कि यार अभी तो हम हाईवे पे चल रहे हैं, 100 की स्पीड है, 90 की स्पीड है, 80 की स्पीड है, हमारी गाड़ी चल रही है, रेडिएटर में से एयर अच्छी तरह पास हो रही है, तो जिससे कि हमारी गाड़ी तो ठंडी रहेगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ रेडिएटर के वाटर को ठंडा रख सकती है, वो रेडिएटर वाटर को ठंडा रख सकती है जो हमारे रेडिएटर में से एयर पास हो रही है, लेकिन हमारे जो इंजन है, पिस्टन है, ऑयल है, मेन चीज ऑयल, जो इंजन ऑयल होता है जिसको हम इंजन ऑयल भी बोलते हैं, तो ये भी गर्म हो जाते हैं और इनको मूवमेंट के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल पाती, वो एक जगह में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये थोड़ा सा जानने वाली बात है कि जैसे हम अपनी गाड़ी को आधा घंटा एक घंटे के लिए रेस्ट दे दें 3 घंटे की, या 300 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हाईवे पे, और तो उसको अगर हम रेस्ट दे दें, उससे क्या बेनिफिट होगा? एक तो हमारी गाड़ी ठंडी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो है गाड़ी के लिए फायदेमंद कि गाड़ी हमारी ठंडी हो जाएगी, तेल पानी सब ठंडा हो जाएगा और प्रॉपर अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर हम चलने के लिए तैयार। दूसरा फायदा ड्राइवर को जो उस समय गाड़ी को चला रहा है, चालक जो है उस गाड़ी का। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि उसका भी एक मूवमेंट के ऊपर आकर के दिमाग सुन हो जाता है। मैंने कई बार देखा है कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाते हैं हाईवे के ऊपर, कि उससे पूछो तो क्या हुआ, कैसे हो गया, कह रहे यार मेरे को ना तो नींद आई ना कुछ हुआ, मैं अच्छा वाला देख भी रहा था, रोड भी मेरे को नॉलेज में थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी एकदम से पता नहीं क्या हो गया, मेरे को दिमागी सुन हो गया। ये दोस्तों इसी कारण से होता है कि हम लंबे समय तक अगर गाड़ी चलाते रहे तो हमारा दिमाग एक बार ही काम करना बंद कर जाता है, सुन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें भी हमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है कि हमारा दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा, हम थोड़ा अपने भाई बंद के साथ जो हमारे साथ सफर कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, थोड़ा रिलैक्स मनोरंजन हो जाता है हमारा भी, तो इससे हमें भी दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, ठंडा हो जाता है, गाड़ी हमारी ठंडी हो जाती है, हम चलने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं, हमारे शरीर में भी पूरी एनर्जी आ जाती है। दूसरा कारण होता है दोस्तों, देखो ये तो था इंजन प्लस ड्राइवर, दोनों सेफ हो गए। अभी हमें और थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि और क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें से हम एक चीज ये देखेंगे, अपनी गाड़ी के टायर। दोस्तों जो हमारी गाड़ी के टायर होते हैं वो भी, अब भी हम नॉर्मल सिटी के अंदर चलते हैं, लोकल चलते हैं, तो हम इनमें एयर प्रेशर रखते हैं 33 पॉइंट का, 33% हम एयर प्रेशर रखते हैं इनमें। लेकिन जगह अगर आप अभी हाईवे पे चल रहे हैं और कम से कम आपने 300 किलोमीटर गाड़ी चला दी, तो आप कभी भी एयर प्रेशर चेक करेंगे ना अपनी गाड़ी के टायरों का, एयर प्रेशर चेक करेंगे तो वो 50+ मिलेगा, 50 से ऊपर ही मिलेगा आपको। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब हम गाड़ी रोड के ऊपर चला रहे हैं तो हमारे टायर भी गर्म हो रहे हैं, जब हमारे टायर गर्म होते हैं तो उसमें एयर प्रेशर जो अंदर टायरों के अंदर हवा है वो भी गर्म होती है, और गर्म होने के बाद वो फैलती है तो एयर प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे टायर फटने की भी काफी परेशानियां आती हैं। आप कभी भी नोट कीजिएगा किसी भी हाईवे के ऊपर टायर, बहुत सारे गाड़ियों के टायर फट जाते हैं,
वो फटते सिर्फ इसी कारण से कि टायर में कोई ना कोई हल्की फुल्की कमी होती है, तो वो एयर प्रेशर ज्यादा होने के कारण वो टायर हमारा फट जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा कारण ये था। तीसरा मैं आप बताने जा रहा हूं कि जैसे अब हमने 300 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो उसमें हमारे हर चीज गर्म हो गई, पार्ट्स भी गर्म हो गए, सब चीज गर्म हो गई, हमारे डिस्क भी गर्म हो गए, जिसको हम तवा भी बोलते हैं, डिस्क हो गया, तवा हो गया, ये भी गर्म हो जाते हैं। जब ये चीज गर्म हो जाती है तो हमारे ब्रेक लैदर, ब्रेक शू ये काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी गर्म हो के, एक तो गर्मी के अंदर गर्म जो चीज हो जाती है ना वो जल्दी से पकड़ नहीं कर पाती जल्दी से ना। तो अगर आप कोई भी अपने घर के अंदर भी देखेंगे, अगर आप हल्का सा कोई भी खाना बनाते हुए, अगर हमारी जो गृहणियां हैं, महिलाएं हैं जो घर में खाना बनाती हैं, अगर आप कुछ भी चीज सब्जी वगैरह कुछ लेने जाएं तो आप कड़छी अगर गर्म हो जाए तो आप एकदम से उसको पकड़ते नहीं है, छोड़ देते हैं, अरे यार गर्म है। तो यही कारण होता है कि हमारे जो ब्रेक शू और ब्रेक लैदर जो होते हैं वो चीजें गर्म हो जाती हैं तो उनको वो पकड़ नहीं कर पाते, तो इसलिए हमारी ब्रेकें भी ढंग से काम नहीं कर पाती। हाँ इम्पोर्टेड गाड़ियां जो होती हैं उनको बनाया ही उस हिसाब से जाता है कि ये जल्दी गर्म ना हो, वो हाई स्पीड में भी चल जाती हैं। ठीक है, तो इनका हमें अपने सेगमेंट की गाड़ियों का ध्यान रखना होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं, ये तीन मैंने आपको पॉइंट बताए हमारी इंडियन गाड़ी के हिसाब से। ये सारे अभी मैं गाड़ी इंडियन ही बता रहा हूँ, इम्पोर्टेड गाड़ी के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको किसी को भी। एक आता है दोस्तों, हमने कई बार देखा होगा कि हमारे कई मित्र डीजल गाड़ी लेके चलते हैं, सफारी हो गई, स्कॉर्पियो हो गई या फॉर्च्यूनर हो गई। वो कहते हैं कि यार हम तो अपनी गाड़ी से 900 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर का सफर एक ही बारी में तय करके आ गए, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन गाड़ी यार पहले तो ठीक थी लेकिन अभी जो है ये धुआं देना शुरू कर गई, धुआं दे गई, पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है और धुआं दे रही है, यार ये कैसे हो गया। तो दोस्तों इन गाड़ियों के अंदर एक पार्ट्स लगता है जिसको हम बोलते हैं टर्बो। ये जो पार्ट्स होता है टर्बो सिर्फ डीजल गाड़ियों में आता है, वैसे कुछ कुछ गाड़ियां और भी हैं जिनमें ये टर्बो लगा हुआ आ रहा है आजकल, लेकिन ये डीजल गाड़ियों में मेन आता था पहले। और ये जो होता है इसके अंदर एक शाफ्ट होती है जो कि कंटिन्यू काम करने पर वो भी गर्म हो जाती है, शाफ्ट गर्म होती है, उसके आगे पीछे बुश होते हैं, बुश जो होते हैं गर्म होके वो अपनी जगह छोड़ देते हैं तो वो शाफ्ट जो है वो लूज हो जाती है, तो इस कारण से ये धुएं आने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम इसका ध्यान समय पर नहीं रखेंगे, अगर हम समय पर इसका ध्यान भी नहीं रखेंगे तो ये टर्बो भी पूरी तरीके से खराब हो जाता है, फिर हमें नया ही लगवाना पड़ता है, फिर उसका हमारी पॉकेट पे एक्स्ट्रा बोझ बर्डन पड़ता है, एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है कि ये टर्बो जो है सस्ते नहीं मिलते हैं, 25,000-30,000, हर गाड़ी के हिसाब से, हर गाड़ी के मॉडल के हिसाब से अलग साइज का टर्बो आएगा, तो उस हिसाब से हमारी जेब के ऊपर भी अलग से बोझ पड़ता चला जाएगा। तो दोस्तों ये था, और टर्बो का भी हमें ध्यान रखना होता है नहीं तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। गर्मी हर चीज में खराब है, जो भी चीज गर्म होगी वो चीज खराब करेगी। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी नहीं लगी, और अगर आपके भी कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।